गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. मेरा नाम है अतुल खत्री. मैं होस्ट हूँ. आई एम ऑल्सो हैपन टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडी. मैं करता हूँ. किस किस जन ने स्टैंड अप कॉमेडी देखी है, मेक सम नॉइस. और फंटास्टिक. सो आपको पता है रूल्स क्या है. यू हैव टू मेक सम नॉइस, यू हैव टू लाफ लाउडली, इन्जॉय योर सेल्फ. तो लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन. एक्चुअली आई वॉज अ सी ई ओ ऑफ एन आई टी कंपनी 25 साल के लिए. और मिड लाइफ क्राइसिस कह दीजिए. 1 जनवरी 2012 मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई कि मुझे अलग कुछ करना है. तो मैं कॉमेडी ओपन माइक में गया, लेकिन अपनी बेटियों को नहीं बोला. मेरी 2 बेटियाँ, 1 17 साल की थी, 1 15 साल की थी, उनको नहीं बोला. क्योंकि बोला बाप सठिया गया, इस उम्र में कॉमेडी कर रहा है. बट आई एम सो ग्लैड मैंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज वहाँ से शुरू हुआ. चलता गया. एंड 9 ईयर्स लेटर हियर आई एम एट द ट्रेलर लॉन्च ऑफ मीनाक्षी सुंदरेश्वर. आई गॉट टू यू बाय नेटफ्लिक्स एंड धर्मेटिक एंटरटेनमेंट एंड इंटायर कास्ट ने. सो प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. दिस इज एक्चुअली हैपेंस टू बी एटलीस्ट माई फर्स्ट लाइव शो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. देखो, इंडिया ने ना वर्ल्ड को दिया है चेस, योगा, आयुर्वेदा. बट आई थिंक इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन अरेंज मैरिजेस. डू यू अग्रीज? हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड हियर? मेक सम नॉइस, लाउड नॉइस. सिंगल पीपल मेक सम नॉइस. ये देखो एनर्जी, देखो पता ही चल जाता है. ओके, वाइफ्स हु लव द हस्बैंड्स मेक सम नॉइस. कोई नहीं, दैट्स द राइट आंसर. ओके ओके ओके, हस्बैंड्स हु लव द वाइव्स मेक सम नॉइस. अरे क्या हो यार, पर चलो ठीक है. बट हाँ जी, अरेंज मैरिजेस एक्चुअली आर लाइक जॉब कैंपस प्लेसमेंट्स. क्या होता है ना, पिताजी को पता होता है कि बेटा तो नलायक है, उसको तो ये तो रिजेक्ट होएगा, तो वही जाके खुद फाइंड आउट कर लेते हैं. और जो आपका ससुर भी है, पोटेंशियल ससुर, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा है जैसे जॉब इंटरव्यू में पूछते हैं. यू नो, आप क्या कर रहे हो बेटा, आगे जाके क्या करोगे, आपके हॉबीज क्या है. और अगर आपका ससुर एवर आस्क यू दिस क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आपका आंसर शुड बी विथ योर डॉटर एंड होपफुली विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन. ठीक है? एंड हाँ, और बेसिकली क्या है दैट हमारे ज़माने में, आई एम क्वाइट ओल्ड, मेरी शादी हुई थी 28 साल पहले. और हमारे ज़माने में क्या होता था दैट अरेंज मैरिजेस को सिर्फ मैरिज बोलते थे और लव मैरिज को बोलते थे पाप. और मैंने भी पाप किया था, मेरी भी लव मैरिज हुई थी. मुझे याद है अभी भी, 28 साल पहले मैं घोड़ी पे बैठा था और जो मेरी बारात थी 1 किलोमीटर लॉन्ग थी मेरे घर से वेडिंग हॉल तक. लेकिन 5 घंटे लगे क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे नाच रहे थे जैसे पता नहीं कल है ही नहीं. और क्या होता है, आपको पता है शादियों में क्या करते हैं, एक छोटा लड़का लगते हैं आपके सामने घोड़ी पे, उसको बोलते हैं सरबाला, ही ड्रेस लाइक यू. मेरे शादी पे आई थिंक दे गॉट द मोस्ट बदमाश सरबाला ऑन अर्थ. वो 5 घंटे की जर्नी में उसका एक ही काम था कि आगे जाके घोड़े के कान खींचूं. मेरे को तो डर था, एक टाइम घोड़ा मुझे नीचे फेंक के बोलता था साले कभी शादी मत करना तू. बट हाँ यार, 5 साल घोड़ी पे बैठा, मैंने फेरे भी ऐसे ऐसे किए. 28 साल हो गए शादी को, यू नो थिंग्स स्टिल हर्ट डाउन देयर. बट हाँ, लव मैरिज हुई थी मेरी. बट मीनाक्षी सुंदरेश्वर इज द मूवी अबाउट अरेंज मैरिजेस. एंड नॉट एक्चुअली अरेंज, दे गो वन लेयर अबाउट. इट इज अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज. कभी सुना है आपने लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज? ये है मूवी में. सर आपने नहीं सुना है? हाँ, किसी हुई लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज? एनी बडी? नो, किसकी भी नहीं यार. आप लोग ठंडे क्यों हो यार, सब ठीक है ना? मेक सम नॉइस, थोड़ा आवाज कीजिए. लाइव शो चल रहा है, कमॉन. हाँ, वो गुड, गेट सम एनर्जी. हाँ, अरे हाँ, शाबाश सर, आपने तो अंगड़ाई ले ली. हाँ, सो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मूवी अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस अरेंजमेंट. आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज इज अमेजिंग. एक तो पेरेंट्स के हिसाब से अरेंज मैरिज भी हो गया और फिर बीवी और पत्नी यू नो दूर दूर रहो अपने से. बट एक्चुअली मीनाक्षी सुंदरेश्वर मूवी है जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत क्यूट रोमांटिक बताया गया है. और इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज में. यूजली क्या होता है दैट एक्चुअली आई थिंक कपल्स थोड़ा ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं बिकॉज फुल डे चैटिंग चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, ये चल रहा है, रात तक सोते सोते वीडियो कॉल चल रहे हैं. यू नो, मेरे तो ख्याल से क्या होता है, दिस दे बोथ द कपल्स यूज इट एज अ सीसीटीवी कैमरा और कुछ नहीं, क्या कर रहा है एक दूसरे जो. और इस पिक्चर में, इस मूवी में अभिमन्यु प्लेज द रोल ऑफ एन इंजीनियर. यू नो, एक्चुअली मैं भी इंजीनियर हूँ और एक्चुअली ऑल इन लॉज लव इंजीनियर दामाद वेरी मच. बिकॉज क्या होता है, उनको लगता है कि घर पे कुछ भी खराब हो गया दामाद ठीक करेगा. एक्चुअली मैं भी इंजीनियर हूँ और लास्ट वीक ही मेरे सास ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा घर की एसी नहीं चल रही. तो मैं गया ससुराल, बोला अब तुम ठीक कर लोगे? मैंने हाँ बेटा, हाँ मामा. मैं देखा एसी को, बोला हाँ हो जाएगा. मैंने फ़ोन लिया, इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, अरे मेरे से थोड़ी हो गया ये सब यार. सो अभिमन्यु इज़ एन इंजीनियर एंड सानिया हु प्लेस मीनाक्षी इज़ अ फिल्म बफ.
She loves to watch every movie first day, first show. Very much like me actually. And Abhi ne ulta hai, usko film achhi nahi lagti hai. But when Meenakshi chose Sundareshwar, it was not first day, first show. It was a eighth day, eighth show. Aathwa uska prospect tha. And this movie is set. You know, bolte na ki marriages are made in heaven. And I'm telling you, this marriage was made in the holy city of Madurai. So ladies and gentlemen, let me introduce you to the cast of the movie. Please welcome हमारे देश की एक ऐसी personality जो है दंगल और लूडो में world champion सानिया मल्होत्रा. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to सानिया मल्होत्रा. And along with her is the मर्द जिसे दर्द नहीं होता पर लॉन्ग डिस्टेंस शादी में रह के उससे बहुत दर्द हुआ अभिमन्यु दसानी. Lovely, both of you. Thank you so much, Atul. Hello, everyone. So good to see you all. Live show after such a long time. Live show after such a long time. Hi. Hello. Yeah, I have some questions for both of you. देखो मैंने आपकी फिल्म का टीजर देखा है. And I have to say, Indian में usually क्या होता है? फिल्मों में दो लोग मिलते हैं. फिर उसके बाद प्यार हो जाता है. फिर as usual parents नहीं मानते और फिर end में मान जाते हैं. But this is not that. आपकी movie is not that. So जब आपने पहली बार ये script सुना. What were your thoughts, Sanya? I think just like Meenakshi, it was love at first sight. Oh. Because I remember Vivek narrated me the script. And mujhe to pyar ho gaya tha with Meenakshi and the whole world that Vivek and Arsh have created. So definitely a love at first sight for me. Oh, just like Meenakshi. This film, when I heard it first, it was... again narrated by Vivek and very passionately narrated his story. I found it extremely unique, one of a kind, and at the same time, super common. Very. That mixture was just so fresh and amazing to me. And I thought I have to be part of something that is so passionate and so different and common at the same time. I'm so glad both of you are part of this amazing movie. You know, teaser में मैंने एक लाइन देखा है, engineers don't give up easily. फिर वो चाहे engineering हो या relationship. मैंने already बताया, मैं भी actually सुने तो better हो. पर Meenakshi के सुने तो I think both Meenakshi and Sundareshwar they have like a lot of patience. तो वो बहुत important है. और communication बहुत important है. तो बात करते रहें आप जिसके भी साथ हैं. Make sure that you are letting them know कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या ठीक लग रहा है, क्या नहीं. तो that is really really important. Yeah. Compassion and understanding are basically the building bricks of a relationship. So I think giving the person time and understanding and patience in any relationship for that matter, and then receiving that, it's just wonderful. Amazing. I think as you said, communication is the base of the relationship. True. अच्छा जैसे देखो caterpillar होता है ना एक point के बाद butterfly बन जाता है. इंडियन पेरेंट्स के लिए भी जब भी बच्चे आफ्टर 20s हो जाते हैं ना तो मैरिजेबल एज के हो जाते हैं. तो आपको भी कभी पर्सनल लाइफ में अरेंज मैरिज का रिश्ता आया है? नहीं, पर मैं सोच रही हूँ आई शुड लेट माई पेरेंट्स नो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे हैं. तो मम्मी पापा अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्लीज करें. सर डोंट अवॉइड, मैं पूछ रहा हूँ आप भी हो. नो, मॉम विल बी वेरी हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 साल में काफी कोशिश की है. अच्छा. It's a hilarious breakfast conversation for the family every time I come. मतलब क्या, मतलब ऐसे पराठे के साथ में एक फोटो आ जाता है अंदर ऐसे? नहीं, suddenly the recital of a biodata starts. अच्छा, okay. Suddenly name, age, qualification. I'm like who, what? मम्मी अगर आप ये देख रहे हैं तो सीखे कुछ. अच्छा देखो, किस डिस्टेंस के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है? जैसे अगर लड़की कोलाबा में है और लड़का विरार में, इज दैट और नो? एब्सोल्युटली, दैट्स लॉन्ग डिस्टेंस. आजकल बॉम्बे में तो यार थार बैंड्रा में भी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है. बट होल्ड ऑन, अगर आप लोगों के अभी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस था? हैव यू बीन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? यस आई हैव. ओके,
It was very special, but काफी मतलब I didn't have that much patience. मेरे मीनाक्षी जितना patience नहीं था मेरे में, इसलिए वो थे being the keyword. हाँ. की relationship में थे. Mine was fun while it lasted. Okay. He's always a little politically correct. हाँ. अंदर की बात opening up. हाँ. सारे opening up. But before हम आगे बढ़े, you know. हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं यू नो हु मस्ट बी कंसिडरिंग अरेंज मैरिज होपफुली. तो फर्स्ट मीटिंग्स में यू नो यूजली काफ़ी ऑकवर्ड होता है व्हेन द बॉय एंड गर्ल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. इन योर ओपिनियन सिंस यू ऑल हैव बीन थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस अरेंजमेंट इन मीनाक्षी सुंदरेश्वर, व्हाट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन? यू नो आप फर्स्ट मीटिंग में गए हो, माँ बाप ने आपको अलग दे दिया कि बेटा आप दूसरे में जाके साइड में जाके आप दूसरे बात कीजिए. व्हाट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क योर प्रोस्पेक्टिव मेट? Food is an important part of my life. I mean, I wake up, have breakfast, and then I'm already thinking about lunch pe kya khaunga, uske baad chai pe kya piunga, aur fir dinner. So then I'll definitely ask some questions about food. Yeah, veg ho ya non-veg ho, khana banana aata hai ki nahi, khane se pyar hai ki nahi, are you passionate about eating? Because I sometimes even do a happy dance when the food is very nice. Happy dance? Happy dance to hota hi hai. Aaj hum lunch ke baad dekhna chahte hai, happy dance. Bilkul, achha khana lagana. But I think the veg non-veg question is very important here, because otherwise always bill double ho jata hai, you know, and what will happen in you can't even share fir. Ha, share bhi share bhi nahi kar sakte, khali roti share kar sakte, par dono order karke apna apna bhi kha sakte hain, that is way better. To usme bhi share nahi karna padega yaar, par sharing is caring, jaise pyar badhta hai ek plate mein khane ka ek hi, you know, all that. So you can share tomato aur keera. Sure. What about you? What question would you, what would you think? What is the first question you would ask your prospective groom? कि movies देखना पसंद है कि नहीं? हाँ. Okay. That's a very important question for me and Meenakshi both. Yeah. कि बहुत important question है कि आपको देखना पसंद है बैठ के आप Netflix देख सकते हैं या नहीं देख सकते? That's important. वो मेरे साथ में choice नहीं है. You have to enjoy movies. That's not a choice. That's that important. और क्या? एक one more. What else यार थोड़ा? देखो जैसे मैंने बोला मेरी मम्मी तो मुझे किसी के साथ भी सेट नहीं कर रही है. तो मे बी वी शुड आस्क यू, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं क्या क्वेश्चन पूछना? आई होप माय वाइफ डज नॉट स्नोर टू बी वाइफ, खराटे आई कैन नॉट हैंडल. या दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, पहले पूछना चाहिए, यू नो. पर अच्छा, ओ शी इज नेवर फेस्ड दैट प्रॉब्लम, शी इज नेवर फेस्ड दैट. आई एम 28 इयर्स ऑफ मैरिज, आई नो व्हाट आई फेस्ड. चलो मूविंग ऑन. Now we'll go to one most very short game we'll play. Okay? Can I ask the host to get some the cards? तो हम आपके साथ एक game खेलेंगे. बहुत simple है. आप दोनों को दो signboards दिया जाएगा, true false. Okay? I'm going to ask you questions about each other. If you say, I mean, both of you can answer at the same time whether it's a true or a false. Can you have the question? Yeah, please. Yeah. You can give it. Yeah. Oh, they're very heavy. You want to have to hold the mic? Ah, no, you require the marks. Okay, no. Okay, guys, very quick, very quick. Is Sania a one-take actor? झूठ, ये झूठ. ये सच है. नहीं. ये सच है. बहुत ही talented है, hard working है, बहुत homework करके आती है, एकदम पढ़ाकू है. Homework करती हूँ, but one-take actor नहीं हूँ. ये तुम्हें लगता है कि मैं one-take actor हूँ, पर मैं नहीं हूँ. Okay, अभिमन्यु ready होने में बहुत time लगाता है. False. वो टाइम पे आता है? हाँ. अरे वेरी गुड. विवेक सोनी बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है. False. प्लीज विवेक तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी को डांट भी सकते हैं, किसी भी चिल्ला. हाँ. पूछना पड़ता है, सब ठीक ही है ना? Are you sure? अभी आई सो गुड कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे. You have lost hope. कि करते रहो तुम लोग. हम दोनों एक ही पिक्चर बनाओ. हम दोनों वन टेक एक्टर है तो कंप्लेन ही नहीं है. ओके, सानिया लेट लतीफ है? कभी नहीं. अच्छे. हाँ. ऑलवेज ऑन टाइम. हाँ, ऑलवेज ऑन टाइम और बिफोर. शी इज अ फर्स्ट बेंचर. शी इज अ फर्स्ट बेंचर. हाँ, बस स्कूल में नहीं, स्कूल में आई वाज द लास्ट बेंचर, पर हाँ काम पे. ओके, अभी काफ़ी मैंने सुना आपके जिक्र, तो अभिमन्यु को मम्मी से अपने डर लगता है क्या? लगता है क्या? मुझे नहीं पता, तुम बता दो. ओ, स्पेशली ब्रेकफास्ट टेबल पे जब भी वो जो प्रपोजल लाते हैं. Still learning ways to avoid it. अच्छा, Sania is a bit, Manu a better dancer than you. He is. That's true.
He is a very good dancer, but ये मानता नहीं है. He is very modest. Sanya should be doing a dance film, guys. Directors, producers, writers. Thank you. Dance choreographers. She is probably the best dancing actor that we have. But oh, lovely. Yeah, super talented. Cast both of us. Yeah, I would love that. अच्छा अभिमन्यु अपनी सारी Netflix recommendations आपको बताता है. हाँ बताता. True. And Sanya also? Yeah. She also? Yeah. Damn good. That was very good. Thank you so much. You did very, very well. Can you ask the host to come and take these very heavy true and false? Give it to me. Give it to me. इसे हम workout कर सकते हैं. हाँ, actually, अभी मैं तो तब तक इसको देख biceps कर लेता तब तक. हाँ. तो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस ship के captain, the director of Meenakshi Sundaresan, Vivek Sir. Along with him, we have Apoorva Mehta, producer and CEO, Karma Productions, producer and manager, Karmatic Entertainment. Soumen Mishra, head of fiction and films at Karmatic Entertainment, co-producer of Meenakshi Sundaresan, and Ms. Pratiksha Rao, director of films and licensing, Netflix India. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to all these. Guys enjoying a live show, meeting the trailer launch of Meenakshi Sundaresan finally happening. Vivek, questions for you. ये आपकी पहली Vivek. Oh, okay. Vivek, a question for you. लग रहा है आपको very cliched question, but yes, I know it's so important. What important day coming up? First of all, thank you so much for coming for the event. It means a lot to all of us. आपका सवाल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. नर्वस, एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट. वी हैव पुट इन अ सोल एंड हार्ट टू द फिल्म एंड आई होप यू गाइस लाइक इट एंड एंजॉय इट. आई एम श्योर वी विल ऑल लव इट. यू नो वी रेयरली गेट टू सी हिंदी फिल्म्स जो साउथ में सेट हुई है. आपने इस फिल्म के लिए मदुरई को एज अ सेटिंग क्यों चूज किया? अवल द स्टोरी organically itself I feel kind of blends into the setting of Madurai because the film is called Meenakshi Sundareshwar and the basic incident which kind of happens in the film, that the reason both of them get married is because of that, the fact that both their first names makes the famous temple of Madurai. So that is also there, and also in order to make it visually stand out, that was the reason. And also as you yourself said, that not often we see films are being set in South India. So it's always great to visually and visually explore that landscape which has not been milked before much. Yeah, and I've been to Madurai many times. It's such a beautiful city. Thank you for exploiting us and showing us the city from your point of view. Apoorva, I have a question for you. Dharma is a very special corner as usual for romantic drama, and this one is very much in the same in your arena. What attracts you to such projects? So firstly, I have to say thank you everyone for being here. It's wonderful to see everyone. I think we'd forgotten how these events are done if we had been delayed anymore. And Karan is unfortunately fortunately he's shooting his next feature, so he sent his regards because he can't be here. Answering your question, I said at Dharma we are really fortunate to have the opportunity of having dabbled across all genres, be it a spy thriller, be it a war drama, comedy, historical. But for us, love stories are the most special. I think that's what we are known for, and I think Karan and Soumen really understand the genre really, really strongly. And love stories are language and culture agnostic, so in that sense, and in these pandemic times, what could be better than having a really beautiful, entertaining love story that brings a smile to your face and lightens up your day? Yeah, well said. Soumen, next question for you. Aapne just first time is film ka script padha tha. No, what really clicked for you?
You know, I have an honest confession to make about the script and the film. This is, I think, I mean, I don't say for a lot of films. This is one of those films where the film has become much better than the script, you know. Wow. So all kudos to Vivek and the team and the actors. And also about the love stories, you know, what has happened in the last few years in India, worldwide, we are not making love stories. If you think, you can't think of three love stories somebody has made. Because everything is tuned towards, you know, big ideas, novelty factor, which we are also doing, event films, biopics. So when the script came in, this was a love story, which is, you saw it's a love story post-marriage. So that was the interesting hook. Plus, it's written very well, there's nice characters, setup, all those things were there. And but love story also depends on chemistry. Saying, achha, will it translate on screen? Paper pe to achha lag raha hai. So thankfully, all that thing has come in place. So the script was great, but the film is much better. I guess what I'm saying might sound alien right now because nobody has seen the film except us. So hopefully you guys will watch the film. But that's why for us it's interesting to do a love story after a long time. You know, even Dharma, we are not doing love stories. It's because, you know, the other genres have opened up and we are experimenting, which everyone is doing worldwide too. So that's why we are very excited about it. And I think especially the long distance arranged marriage, that concept is so, I think, new and unique. Pratiksha, next question for you. How does Netflix approach bringing romantic stories to Netflix? Like, how, I mean, how diverse is the rom-com genre becoming? Thanks, Atul, for the question. Interesting fact for everyone. In 2020, we saw an increase by 250% of the viewing of romantic films and series in India. So that just tells you how much people are craving seeing love stories on the screens, and, you know, who better to partner with in telling a love story than Dharma? You know, they're very iconic. Each of us probably has a Dharma film that we kind of aspire, you know, when we think about our own romantic lives with. But for us, to be honest, it's really just about the story and how powerful that is. When it comes to romantic stories, is it giving you a window into someone else's love story? Is it an extension of your own imagination, expression of love? So those are the kind of thoughts that, you know, we keep in mind when we are looking at potential romantic stories. And this one is very special, very interesting, because as Vivek mentioned, there's a very beautiful and different setting that you haven't really seen in Hindi films before, but also it shows tradition, family. But then, you know, the young couples, their own individual aspirations. So I think it's something that a lot of us will relate with. Thank you. But, you know, 200% jump in love. 250. 250%. I think because, you know, husbands are locked up with their wives the last 2 years. You know? They had no option. Ki love story dekho. Kya dekh rahe ho sab? But anyway, guys, ab waqt aa gaya hai Madurai jaane ka aur Meenakshi Sundarveshwar ka trailer dekhne ka. Ladies and gentlemen, please let's watch the trailer for the very first time of Meenakshi Sundarveshwar. Light, theek hai. Okay. Okay, still the sound gets done for you, you know. In terms of, you know, since you all are working for the first time, you know, together with Vivek and the entire team, sort of, in a way, you know, I would say, how challenging it was in terms of just, you know, because a lot of chemistry has to be set in right. How soon did the chemistry sort of gel? And it was day one, or it took some time to sort of. This is the very thing you want to take that. Definitely from you, day one. For him, we started with a. Okay, we got the sound. Got the sound? Abhi sound hai, light. I think we need to play it from the beginning. Yeah, just play from the beginning, guys. Yeah, please. I think they're starting it out. They're starting it out. Oh. Yes, we need an engineer. Engineer, correct. Okay, till it comes. He dodged the question to you. But no, we. Yeah. Could we mute the audio? Okay, let me ask you a direct question. So, yeah, you were talking about the chemistry. If it so we had multiple reading sessions where we were told what the character is. Yes, can you stop the volume? Is coming on the speak on the monitors here. Yeah. And the pre-production done by Vivek was so airtight that he explained everything to us in detail.
the flavors, the mood, the setting, the stage that we're going to be on, the kind of areas, the kind of sounds that we're going to listen to. So wo ek baar ho gaya hamare reading mein, and then when we just jumped onto it on set, you know, the first few days only we had some intense scenes which were like pivotal scenes in the film, which were shot in the first 4 days of us being on set. So I think if we didn't have the readings, then maybe it would be tough to get into character so quickly. But thanks to him, I think we could... And his clear vision, yeah, what he wants. He knew exactly what he wanted. Yeah. Bas yehi chahiye, 19-20 nahi. And now we exactly know what we also want because the trailer is ready. Ladies and gentlemen, let's watch the trailer, hopefully. Fingers crossed, huh? यार एक्चुअली मुझे तो हल्दी दूध तो मेरी बीवी आजकल देती है जब मेरा गला खराब होता है सुबह में जाते बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन नाउ वी ओपन अप फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स विद यू गाइस कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू यू नो प्लीज स्टे योर नेम द नेम ऑफ योर पब्लिकेशन एंड हु द क्वेश्चन इज एड्रेस्ड टू वी हैव पीपल विद माइक्स अराउंड हियर एंड या आई थिंक वील कीप इट नाइस एंड फन सो ओह यू ऑलरेडी हैव यस वेयर आर यू फ्रॉम मैम हाय गुड मॉर्निंग दिस इज मोनिका फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स Congratulations, Sanya, Abhimanyu, and the entire team for a lovely trailer. And I think, you know, whenever we see a film set in South, that Rajnikant element is so sentimental, and I'm really looking forward to that as well. So congratulations. My question is for Apoorv. Given the fact that the film is... She's here. Try it on the first day. Okay, sorry. No problem. So given the fact that the film is releasing on Netflix, streaming platform, and I think the last 2 years, the norm has been these digitally coming out films, and some have really done exceptionally well, some have just kind of lost its charm. People continue to debate whether it was meant for a theatrical release or a streaming platform. But from a production point, production house point of view, I want to understand how has the model of this OTT and digital releasing really helped business-wise? So I think, you know, contrary to what many people believe that because of OTT, the theatrical business will reduce or eventually disappear. In my opinion, it's just the opposite. I think the entire ecosystem is going to grow now, you know, because you have the ability of so many more films being made, which may not necessarily be, you know, be correct for a theatrical release because they're niche in subject or the content is very specific. But we are now, you know, thanks to platforms like Netflix, filmmakers now have a chance to showcase all the stories they want to, you know, and the theatrical experience will never go away because that will always remain. That's part of our DNA. So I think both these models will feed off each other and you're going to actually have, you know, an opportunity of seeing so many more directors, so many more actors coming to the front. So the entire ecosystem in terms of the number of films that are going to be made will grow. The number of people in the business will grow, and I think the whole viewing experience will only multiply, you know? So I think it's fantastic. And it's a great time to be in this world at this point, in this business. Thank you, man. Amazing question. Yeah. Hi, this is Priyanka from the Telegraph newspaper in Calcutta. Hi, congratulations to the team for a very nice trailer. Really looking forward to watching the film. Soumen, my question is actually for you here. You just said that, you know, we all know that romantic films and love stories are as old as films themselves, but we haven't made many in the last couple of years, and I think we should really make many more, as you said. But even while working within the standard genre tropes of a romance, how does one, what are the key elements to kind of keep it fresh? What do you look for? Like, this is different, this is fresh, but are there any key elements that you kind of look for? So for us, two important things. One is there some novelty factor in the story, which, you know, this story clearly has. It explores long-distance relationship, the relationship post-marriage. And the second thing is the gaze of the filmmaker. Where is he coming from? Because, you know, on love story, as I mentioned earlier, it a lot depends on the chemistry. If the chemistry doesn't work out, you know, now that you guys have seen the trailer, you guys have understood what I was saying earlier. If the chemistry doesn't understand, then the film won't work. So, you know, so those two, three things are very important when you are looking at any scripts which are love stories. Yeah. हाय प्रतीक्षा दिस वे या प्रतीक्षा आप सिनेमा घर खुल रहे हैं और जब नेटफ्लिक्स आया था वो अपनी एक स्ट्रैटेजी के साथ आया था वो कैसा कंटेंट ला रहा है किस तरीके का पोस्ट कोविड क्या चेंजेस स्ट्रैटेजी में कंटेंट को लेके कुछ आप लोग इस पर कुछ स्ट्रैटेजी चेंज किया है हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से वही रही है दैट यू नो वी वॉन्ट टू बी अ होम ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग मोस्ट एंटरटेनिंग स्टोरीज
और जैसे अपूर्वा ने बोला दैट नाउ देर इज़ एन एवेन्यू फॉर फिल्म मेकर्स टू बी डूइंग अ लॉट मोर टू बी टेलिंग अ मोर डिवर्स सेट ऑफ स्टोरीज सो वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड दैट देर आर यू नो सो मेनी पीपल टेलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज सो इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग दैम ऑन आर सर्विस एंड you know, just bring that diversity. Strategy may per se, there is no, you know, there is no real change, I would say. It's just that we know now more and more because abhi itne saal ho gaye hain Netflix original films bana raha hai India mein. So we also have a better understanding of what our audience likes. And like I mentioned, clearly they do like romance, which, you know, people may not instinctively feel when they think about OTT service. And it only, all the data only tells us that the most important factor for a film to work on service is how good is that story. Any other questions? Yeah, Sanya. Oh, yeah, my question is for Sanya. Hello. Hello. First of all, Rajnikanth act was superb. Thank you. Yeah, and think about making a full film about this. Thank you so much. Yeah. I didn't catch your name, sorry. Nilima Kulkarni. So, being a Malhotra in real life, playing Sundareshwar on film, kitna difficult. Meenakshi. Sundareshwar. Baad mein Sundareshwar hui na. So, kaisa tha wo? How difficult it was? Difficult, to matlab har character ki journey hoti hai as an actor. You have to do your homework before you step in front of the camera. But I think Vivek was really helpful and we, as Abhimanyu said, that we did a couple of readings before going on set. And that really helped me to know my character really well, you know. And the script is very well written. So the material that I had as an actor, I was sorted that way. Like I was really confident that I will be able to do it. But obviously Vivek was really, really helpful. Hey guys, Shravan here from Ismalni. Hello. Hi, Sanya. My question to you is that the trailer looks fab. Okay. What was it about the script that made you choose this one? The romantic bit, because as an audience, I think I'm also craving to watch romance. I think what 250% mein mera bhi contribution hai. Major chunk of it. Because I'm also now like organically drawn to much like light-hearted romantic comedies. So that was like a major, you know, like that was the reason I was attracted to the character and the script. And I love Meenakshi. It was love at first sight with that character. And Vivek, ne jab narration diya tha, that narration was so good. Like it was so entertaining. तो मुझे लगा था ये narration इतना अच्छा है तो movie देख के तो मजा आ जाएगा और काम करके और भी मजा आएगा. तो that was actually the reason that I thought that I should definitely do it. And also to be working with Dharma, like it was my dream. Hi, this is Komal Panjal from Indian Express. The moment the teaser came out, of course the trailer is beautiful. The teaser was good too. The internet kept, you know, asking why is there so much stereotype when it comes to South Indians. Even today when we see a South Indian loves Rajnikanth in the film, if you could throw light on that, why is there so much stereotype all the time in films when we talk about different regions? Actually, I asked a similar question to Vivek earlier, but yeah, Vivek, you can please. Hi, just, sorry, yeah. I didn't get your name. Komal. Hi, Komal. So, dusri filmon ka nahi, main hamari film ke bare mein charcha kar sakta hun. Can you say your question again? That in terms of Rajnikanth, why? Stereotyping. Speaking of Rajnikanth, sir, I feel like personally, I know there are a lot of great actors and huge iconic stars are there down south, like Ajit, Surya, Vijay. But for me personally, after MGR, if there is a, you know, huge, or like he's my personal favorite as well. And after MGR, if there is someone, then for me personally, it's Rajni sir. So that was the reason that we chose to kind of keep him in the film. I mean, like how Meenakshi falls in
how she follows Rajni sir as such. And apart from that, I don't know, like, what other stereotypes you're talking about? Like, if you can specify it, then I can talk about it more. नहीं आप मीनाक्षी का बात करेंगे तो इट वुड बी बेटर हिंदी फिल्म्स एज अपोज टू लाइक मीनाक्षी ये ट्रेलर जो आपने देखा उसमें आपको और क्या लगा We don't have any IOs in the film. There is no accent in the film. There is no accent in the film. So, जब हम लोग शुरू कर रहे थे फिल्म का ये हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था बिकॉज सिंस इट्स बीइंग सेट इन मदुराई बिकॉज इवेंचुअली वॉट वी आर मेकिंग ए हिंदी फिल्म सेट इन मदुराई इवेंचुअली ये हिंदी फिल्म है ठीक है अभी उसके दो पहलू हैं या तो मैं इस पूरी फिल्म को तमिल में कर दूँ देन इट विल बिकम अ रीजनल फिल्म जो कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कोई गलत बात नहीं है वो भी बहुत अच्छी फिल्में होती हैं एंड आई लव दोज फिल्म्स बट मुझे इसेंशियली एक हिंदी फिल्म बनानी थी सो इधर वी गो ऑल आउट एंड कीप इट इन तमिल देन इट विल बिकम अ तमिल फिल्म और देन यू कीप एन एक्सेंट जो हमें नहीं करना था देन इट बिकम स्टीरियोटिपिकल जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं आई गेस वो हमें नहीं करना था देन इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक यू मेकिंग फन ऑफ द लैंग्वेज सो हमने खालिस हिंदी रखी है फिल्म में और बीच में फ्लेवर के तौर पे दे आर सम तमिल वर्ड्स स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स एंड कैन आई ऐड समथिंग टू इट आई नो व्हाट यू आर सेइंग अबाउट यू नो स्टीरियोटाइपिंग आई रीड सम ऑफ इट आई टेल एवरीवन प्लीज वॉच द फिल्म एंड देन डिस्कस दिस व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट शूट इट एट द टीजर और द ट्रेलर ऑल्सो फ्यू थिंग्स डोंट जज अ न्यू फिल्म मेकर्स वर्क बेस्ड ऑन पास्ट वर्क और मिस्टेक्स ऑफ अदर फिल्म मेकर्स आई नो वी कम विद अ बैगेज और मैंने वो पिक्चर देखी है उसमें ऐसा है इसमें भी ऐसा होगा वेट आ रही है एक महीने भी नहीं है विद इन फ्यू वीक्स फिल्म मेकर फर्स्ट टाइम फिल्म बनाता है उसको 5 साल 10-15 साल लग जाता है तब जाके पहली फिल्म बनती है सो यू नो सो इम्पॉर्टेंट थिंग वो भी है वन थिंग दैट वी आर मिसिंग इज फिल्म मेकर का गेज क्या है वो कहाँ से आ रहा है एंड दैट गेज इज अबाउट द लव एंड द पैशन एंड द ऑनेस्टी डेडिकेशन अर्नेस्टी यू नो वो सब मिल के वो गेज आता है फिल्म मेकर का एंड विच इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम जो previous filmmakers have made or have done the film. So I would say, don't judge by that. Wait for the film. I think all the answers, you'll get all the answers. I think you gave a very complete answer. Thank you so much. सर मैंने पूछ लिया ना वो बोला ना उन्होंने क्या स्नोर नहीं करना चाहिए खराटे आई एम फाइन एक्चुअली आई थिंक आई आल्सो स्नोर प्लीज आंसर द क्वेश्चन द कम्युनिकेशन बिट डेफिनेटली कि कोई इनहिबिशंस ना हो और बातचीत आसानी से हो सके स्मूथली हो सके और फनी होने चाहिए आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ मस्ट नहीं अभी ऐसा सोचा नहीं है पर आपकी नज़रों में कोई है तो बता आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मी इंडिविजुअली एंड सम सॉर्ट ऑफ एम्बिशन इफ माय पार्टनर हैज़ देन दैट काइंड ऑफ टर्न्स मी ऑन सो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एम्बिशन वुड बी द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट आई लुक फॉर इन अ पार्टनर अभिमन्यु यू नो आई थिंक दैट्स आई डोंट थिंक दैट्स अ फेयर क्वेश्चन आई थिंक दीज आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टर्स आई मीन दिस फिल्म इज एक्चुअली बीन माउंटेड बाय ऑल न्यू कमर्स आई मीन आई थिंक आई एम फीलिंग रियली ओल्ड व्हेन आई कीप लुकिंग एट द टीम ऑन द फिल्म बिकॉज विवेक इज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी यंग ब्राइट एक्टर्स एंड यू नो द डीओपी इज न्यू सो द आइडिया फॉर अस इज टू वर्क विद न्यू टैलेंट बिकॉज दे आर ऑल एज अमेजिंग एज अ You know, if they don't get an opportunity to work, how will they show what their merit and mettle is? You know, so I think we are blessed that we have the ability to work with such talented people and the results for you are to see on the screen. Abhimanyu. As an actor, I felt safer that she was on set. I said, "Main kuch na kuch seekh lunga inse." That's very sweet of you. But nahi aisa main sochte nahi ho. Whenever I'm approaching a character ya koi film karti ho, to ye mere mind mein nahi hota hai. To be honest, I don't know. Consciously hota hoga, but forefront mein to definitely nahi hota ki kya responsibility hogi. ये मेरा सपना था to become an actor. You know, I'm living my dream life. तो
मैं वही उसी चीज से बहुत खुश हूँ. कैंडी स्टोर अभिमन्यु. हाय दिस इज जोहिता. वेयर आर यू मैम? या ओ या सॉरी. हाय हाय. आपसे पूछ रही थी, इससे पहले मर्द को दर्द नहीं होता एक अलग रोल था कॉज. अब मीनाक्षी सुरेश. आल्सो सॉरी मैम, दिस इज बी द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज़ वी हैव लंच सर्व्ड. सो या प्लीज सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू. या सो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट योर आई मीन व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट. किस तरीके से आपने ये रोल एक्सेप्ट किया एंड क्या अच्छा लगा आपको और क्या कुछ है, क्या कुछ देखने को मिलेगा आपकी तरफ से अपार्ट फ्रॉम द ट्रेलर? आई मीन I want to do something different with every movie that comes. I want to explore the genres, and I think that's what actors are supposed to do, change themselves into different characters. And this allowed me such a big variation from the other films that I've done. Like, clearly you can see there's zero action in this film. I mean, there is some action. We saw you tied over there. But yeah, no, the uniqueness, like you have seen, it's a very unique setting. But all the emotions that the characters go through are so common, whether you've been in a long distance marriage or relationship, or even if not, you'd be able to relate to each character and what they're going through. And it's probably happened in everyone's life. So the combination of this was just so inviting and attracting to me that I said that this seems like a film that has soul. You know, a soul for a film or for any art is something that makes it close to timeless. You can watch this 10 years back and you can watch this 5 years from now and you'll enjoy the same thing, you know. Sorry, I can't. His question was that your mother had been a part of one of the most successful love movies ever made. So did she give you some suggestion? That is the question, sir. And that will take as the last question. Or did mom give you some tips? Khali bola ki best of luck and enjoy yourself. As long as you're having fun, that's what matters. Yeah. Thank you guys, thank you so much. Please stand up for a photo op with the photographers. Thank you and so much. And the movie releases on 5th.